तो आज की हमारी इस गूगल सीट की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ फॉर्मूला लॉजिकल, जिसमें हम एंड और इसके बाद इफ के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे इसमें से अगर जस्ट मुझे इंसेंटिव देना है, इंसेंटिव में अगर आपके पास जस्ट ये है कि भाई जो जो ग्रेटर देन 50 है उसको 800 का इंसेंटिव दे दे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जस्ट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि जो जो ग्रेटर देन 50 है उसको 800 दे दो, अदरवाइज 0 दे दो। रिजल्ट एंटर मारेंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं सर एक सेकंड, ये आपने डबल कोट में 800 नहीं लिखा था? नहीं, नंबर को डबल कोट में नहीं लिखते हैं। अच्छा ठीक है, वो वैसे भी ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, सिर्फ टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट के अलावा सब कुछ बिना कोट में लिखाता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि मेरा 50 to 80 है, क्या है 50 to 80 है, तो क्या करेंगे, क्योंकि एक इफ सिर्फ एक लॉजिकल ऑपरेशन को लेता है, एक इफ सिर्फ एक लॉजिकल ऑपरेशन को लेता है, बाकी को नहीं लेता, तो क्या करें। तो यहाँ पे मैं एंड या और लगाऊ, मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड देना होगा, नहीं तो और। अब यहाँ पे एंड लगेगा, अब बोलेंगे सर यहाँ पे एंड क्यों लगेगा, यहाँ पे एंड लगने के पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बढ़ेगा ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन इक्वल टू 80, और इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए, इसलिए एंड लेंगे, रिक्वायर कंडीशन है कि दोनों होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वापस इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 80, ओके। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स, किसमें आएगा ट्रू फॉल्स, क्योंकि एंड हमेशा ट्रू फॉल्स में देता है। अब इस ट्रू फॉल्स को मुझे अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस एंड फॉर्मूले को किसमें डाल देंगे, इफ के अंदर, राइट सर। अच्छा 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 ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 800 और यहाँ पे लिखा 0, एंटर प्रेस करके नीचे तक ड्रैग कर दिया, जहां जहां कंडीशन मैच हुआ वहां वहां देखिए रिजल्ट आ गया, क्लियर है विदाउट इसमें? क्लियर है, नहीं। अब बात करते हैं कि भाई और फिर और क्या करता है। तो यहां पे मेरे पास डे है, सैटरडे संडे हमने लिखा हुआ। अब मुझे यहां पे ऑफिस का स्टेटस शो करना है, तो मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस ओपन होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्या होता है, ओपन होता है, ओपन। और सैटरडे संडे मान लीजिए मेरा ऑफिस ऑफ होता है, तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए फॉर्मा लगाएंगे हम इफ का, इफ, लेकिन इफ में तो हम एक ही दे सकते हैं सैटरडे या संडे, हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला देंगे हम एंड का, किसका देंगे एंड, इसको सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन सॉरी एंड नहीं देंगे यहाँ, और देंगे एंड, क्यों नहीं देंगे एंड, इसे देंगे कि सैटरडे एंड संडे एक सेल में थोड़ी हो सकता है, सैटरडे हो या संडे होगा। अब यहाँ पे सैटरडे, अब सैटरडे क्या टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन मार्क लेंगे, अदरवाइज नंबर होता तो डायरेक्ट लिख देते, और फिर इसको हमने एंटर प्रेस किया, और जाहिर सी बात है एंटर प्रेस करते ही आपका ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ गया। अब इस ट्रू फॉल्स को ओपन और क्लोज में, ओपन और ऑफ में करने के लिए क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला, यहां पे इफ हमने बोला ऑफ, अदरवाइज ओपन, ठीक है, एंटर प्रेस किया और नीचे तक ड्रैग कर दिया, समझे, ठीक है। तो एंड और दोनों समझ में आ गया, हाँ। एंड 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 इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर हमें दो चीजों को काउंट कर, दो चीजों के बारे में बताना हो
तो दोनों चीज उसका मैच होना चाहिए, दोनों चीज कंपलसरी है उसके लिए। जी और इसलिए है कि अगर या तो ये या तो ये, यही ना। हाँ, समझे कि नहीं अगर आप? मैंने लिख हाँ अगर मैंने लिख लिया कि जैसे कि सैटरडे मान लो जैसे 100 रुपये का सेल हुआ है, और मैंने लिख दिया कि सैटरडे में 50 हो और संडे में भी 50 हो, जिसको उसको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। संडे या सैटरडे किसी एक में 50 हो इंसेंटिव मिलेगा, तो और का फॉर्मूला होगा, और अगर दोनों में चाहिए तो एंड का फॉर्मूला होगा, है ना। जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम जो है और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। पूजा, मोहन, कविता, इंदर, उदय, उदय और ओम। और यहाँ पे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट थ्री, यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री एंड सब्जेक्ट राइट। और यहाँ पे हम रैन बिटवीन लगा देते हैं, रैंडम नंबर, ठीक है, समझे। ठीक और इसको पेस्ट कर दिए, और इसी में हमारे पास आता है पेस्ट वैल्यू। सॉरी पेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड, उसको कॉपी किए और इसी के ऊपर अगेन हाँ पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू। अब मेरे सामने, आपके सामने मेरे पास सब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पे क्या देना है? रिजल्ट देना है। रिजल्ट में मुझे ये देना है कि सारे सब्जेक्ट में अगर 30 से ऊपर है तो पास आएगा, अदरवाइज फेल आएगा, समझे। तो ठीक यहां लगाएंगे फॉर्मूला एंड, क्या लगाएंगे इफ एंड, फॉर्मूला? हाँ पहले एंड, एंड लगाएंगे, इस बाद में लगाएंगे। इफ एंड लगाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसे वन बाय वन लगा। ठीक ग्रेटर देन 30, आप इसी में बेटी आ गई थी। अब यहाँ पे अच्छा हम अच्छा कोई लिखें नहीं, ग्रेटर ग्रेटर देन देन, थर्टी वो थर्टी भी पढ़ती है ना, बोलते मुझे भी पढ़ाओ। अच्छा 89 नहीं, 30 ना सर, सॉरी, हाँ माफ, 30, फिर इसको कॉमा सेलेक्ट किया फिर ग्रेटर इसको देन सेलेक्ट 30, थर्टी अपार्टमेंट कॉमा यस 3 वाले, क्लास में, और वापस इसको चलेंगे और क्या करेंगे, ग्रेटर ठीक देन 30, और है, अंत में थर्टी सब्जेक्ट 4, और इसको भी ग्रेटर देन 30। थर्टी अब एंटर प्रेस करके नीचे, अब इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगली क्लास में इसको मैं नेस्टेड इफ के जरिए समझाऊंगा सर, अच्छा अच्छा ठीक मतलब समझिए। ये सारा जो कंडीशन हमने एंड में था, इतना आसानी से 30 30 30 करके लगा दिया, इसी को इफ के साथ हाँ लगाने में हालत खराब हो जाएगी सर। अच्छा। ऐसे वैसे मैंने इफ एंड और इफ और तो लगाया है सर, पहले एक बार मैंने ट्राई किया है, तो आप समझाओगे तो चलिए, मैं शायद इजीली समझ सकूँ उस समय। हाँ, तो एंड फॉर्मूला ने क्या किया? अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने यहाँ पे बस दो एंड लगाए थे, राइट। जी तो सर कुछ लोग जी सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दो ही ये लगा सकते हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी उतनी कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। रिजल्ट जी सर आपका फाइनली ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा, याद रखिएगा। तो अब ट्रू एंड फॉल्स को आपको जिसमें कन्वर्ट करना, जैसे कि मुझे यहाँ पे पास और फेल में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है पास और फेल, पास और फेल, इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर देते हैं, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो पास और फेल में हमारा आ गया, समझ गए। सर समझ गया, तो दिक्कत इसमें, नहीं सर इस तरह से पास और फेल में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कोई और कुछ और तरीका नहीं है, तो अगर सारे सब्जेक्ट में 30 ही चेक करना है तो
तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि काउंट इफ हमने पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कॉमा इज ग्रेटर देन 30, बेटा ये रिजल्ट आपके सामने 2 3 4 आ गया। अब मेरे पास चार सब्जेक्ट है तो मैं इसको इफ के अंदर लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा इफ के अंदर? इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है तो यहां पे पास है, नहीं तो फेल है। समझे ठीक सर? आप बोले है। जो ये तो बड़ा इजी है, अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट होंगे तो 10ों में लगाने में काउंटिंग तो बड़ा आसान है ना। तो काउंटिंग अब बताइए मुझे कि हम काउंटिंग कब लगाएंगे और एंड कब लगाएंगे। दो फॉर्मूले आपके, दोनों काम सेम है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट है एक आसान है, तो कब कब दोनों यूज करेंगे? जब ओनली हमें पास फेल दिखाना है तो हम काउंटिंग थ्री लगा सकते हैं। आप ये भी तो ओनली ठीक पास है फेल, एंड भी तो आपको ओनली पास फेल ही दिखा रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि इसमें कुछ और दिखा रहा है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ए कि ए आर्गुमेंट नहीं हाँ चलेगा, दूसरा आर्गुमेंट दीजिए सर, या ए खारिज किया जाता है। ओके ओके, तो कुल मिला के ये है कि पास मतलब काउंटिंग कब लगाना चाहिए और अपना इफ और एंड कब लगाना है, यही ना। इफ और काउंट इफ, इफ तो दोनों में लगेगा, इसमें इफ लगा हुआ है आप समझिए, इसमें भी इफ है और इसमें इफ, इफ तो देना ही होगा। ठीक एंड और है काउंट इफ के इफ बीच में टाई है, हाँ एंड ऑफ काउंटिंग। बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बात को आपकी समझ गया हूं मैं, पर मैं अपने दिमाग में समझ रहा हूँ कि क्या ऐसा लॉजिक है जो इसकी वजह से हमें काउंटिंग की जगह पे एंड का फॉर्मूला लगाना चाहिए और एंड की जगह पे काउंटिंग लगाना शॉर्टकट क्या चाहिए। होता है हालांकि सर? यार देखिए बताते हैं, शॉर्टकट क्या होता है? रिक्सी होता है ना, हाँ लाइफ का कोई भी शॉर्टकट अगर आपको मिलता है तो रिक्सी होता है ना। अब एक छत से होता दूसरे छत पे जाना है, कूद के जाओगे तो रिक्सी है, गिर सकते हो, सीढ़ी है से उतर के जाओगे फिर वापस सीढ़ी से चढ़ोगे, लॉन्ग टर्म है बट सेफ है ना। सेम थिंग यहाँ भी है, हर चीज की अगर कोई आपको आपको अगर कोई चीज सही मिल रही है, जरूरी नहीं कि सही हो, गलत भी हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सिंपल सी दिमाग में बात आनी चाहिए कि जरूरी थोड़ी कि सारा सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, कोई 50 नंबर का भी तो हो सकता है, आपको 150 नंबर का भी तो हो सकता है। तो जब ऐसा होगा अच्छा 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 सबके पास ही मार्क तो अलग अलग हो जाएंगे, तो ठीक 30 सेकंड है में आप समझ चले गए, गया। तो तब तो आपका काउंट इफ वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि अब ये हर नहीं एक का एंड अलग में अलग हाँ चेक, अलग हर एक को अलग अलग कंडीशन से चेक नहीं करेगा ना, ये तो सबको एक ही कंडीशन चेक करेगा। हाँ बट एंड के हाँ अंदर में आपके पास परमिशंस है कि आप अपने कंडीशन हिसाब चेक से सकते हैं। जो दे दे, आप मुझे यहाँ पे 40 देने हैं तो 30 की जगह पे 40 दे मैं दूंगा। C2 को 40 कर सकता हूँ। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो और कंडीशन मल्टीपल हो सकती है तो हम एंड और का इस्तेमाल करेंगे। जब आपके पास कंडीशन हो, कई सारे मल्टीपल कंडीशंस हो लेकिन कंडीशन सब सेम होंगे तो आप यूज करेंगे काउंट। काउंटेड समझ गए? ठीक हाँ तो एंड बेसिकली में हम तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज के बारे में आप जान रहे हो, अगर किसी ने आपको एक छोटा, अब होता है क्या है, मेरे पास एक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कंपीट करने की कोशिश करते हैं। एक तो ट्रेनर खुद का बन गया हुआ फरीदाबाद में, तो मैंने ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, और एक जो है आपका यहाँ कोई अच्छा हरियाणा साइड में है झांझू कला, वहाँ चलाता है। तो दोनों मेरे यूट्यूब वीडियो जब मैं डालता अच्छा हूँ तो उस पर दोनों कमेंट करते हैं अच्छा सर इसको तो इससे हो सकता है, इसको तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ फिर उनको बोलता हाँ हूँ कि ठीक है अच्छी बात है, इसको आसानी तरीके से किया जा सकता है, बट AI तो क्या करोगे। तो बोलता है हाँ सर ये अच्छा आने पे तो नहीं होगा, तो बाकी बच्चे आप कमेंट क्या फंसाते हैं करते ना ताकि हम तो बाकी बच्चे कमेंट क्या करते हैं पता है? हाँ गुरु गुरु होता है। चेला चेला ही होता। सही बात है। नहीं आपके फॉलोअर भी अच्छे खाते हैं सर, वैसी बात तो नहीं है, पर पढ़ाते भी आप अच्छा है, समझ में आ जाता है एक बार, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, बेसिकली क्या है ना कि मैं कोई चीज अगर आपको बता रहा हूँ ना, तो उसके सारे पहलू के नहीं जानूंगा तब तक नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कुछ ऐसा चीज मुझे मुझसे आप पूछ दिए, अगर मुझे उसके बारे हाँ में सारे पहलू के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा। हाँ मैं पहले उस चीज के बारे सही में जानूंगा फिर बोलूंगा, मेरी एक आदत। और सारे पहलू, एक पहलू से काम नहीं चलेगा, सारे पहलू पता होने चाहिए। जैसे कि अभी काउंट इफ के बारे में बताया, तो मैंने आपको पहले एंड का फॉर्मूला बताया। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अरे यार एंड तो वो लेंदी है, अब काउंट इफ से लगा लो। काउंट इफ आसान है, आपको समझाने में भी आसान है मुझे, और लेकिन आपने मेरे दिमाग को भी डाइवर्ट किया समझाने के लिए कि हम हाँ काउंटिंग ही क्यों लगाए। अभी ये चीज मेरे मन में आ गई, क्योंकि ये मेरे मन से खुद से नहीं आता ये चीज कि मैं आपसे ये चीज पूछूंगा। आप जी बताते हाँ, हैं, मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, तो मेरे ना पास वही मुझे लगा। लेकिन अगली बार कहीं जब मैं कहीं जगह पे मुझे आपको क्या है ना कि आपको जोर देना पड़ता है, सोचने के लिए मजबूर करना धक्का पड़ता देना है। पड़ता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है, इसके पीछे रीजन है कि आप मेरी ही थ्योरी को जब पढ़ते जाओगे, आप अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम होगी। जब आपके रियल टाइम प्रॉब्लम फेस करोगे, वहां आप सोल्यूशन के लिए सोच नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है ना, उस समय आप मुझे फोन करोगे और मैं, हो सकता है कि आपका फोन ना उठाऊं शायद हो सकता है ऐसा शायद। अभी भी। जैसे आपकी बात चल रही है, बीच में किसी ने फोन किया है, कफूर खान ने फोन किया, फोन नहीं उठाया मैंने, ऐसे आपके साथ भी हो सकता हाँ है। समझ। आप हाँ हम एलिजिबल हो, लोग मैं कर चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ थैंक्स करने के लिए फोन करें, ना कि सवाल करने के लिए। आपके पास हर सवाल का जवाब खुद ब खुद आ जाए, इस तरह के एलिजिबल आप बने। मेरे हाँ अटेंशन नहीं होता है सर, इसलिए मैं आपको जी। इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर बैच में नहीं पढ़ा रहा। चलिए हाँ चलिए, बातें तो होती रहेगी। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। अब इसी के नीचे हम बात करते हैं और का। तो मान लीजिए कि एक चेक लिस्ट है, जैसे कि पैन नंबर, डीएल है, वोटर है, और आपका पैन हो गया, डीएल हो गया, वोटर हो गया, अब यूआईडी हो गया, और एक पासपोर्ट, इसमें पांच दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब जरूरी नहीं है, मान लीजिए किसी ने आपको आईडी प्रूफ मांगा, तो आप एक दे देंगे ना, पेन कार्ड दे देंगे, या कोई एक दे देंगे, या कुछ लोग ऐसे हैं कि दो दे देंगे। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि सारे के सारे उठा के दे दें, लेकिन बैंक तो सिर्फ चेक करेगा ना कि हाँ आपका पैन आ गया, या डीएल आ गया, या वोटर आ गया, या पासपोर्ट आ गया, तो ओके है उसके लिए, उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, राइट सर। नहीं जैसे अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर सबने आईडी प्रूफ जमा किया है, मतलब उसमें से किसी एक ने भी आईडी प्रूफ जमा किया है, तो ओके आ जाए, अदरवाइज पेंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे और जी होगा, एंड तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई एक एक से ज्यादा, राइट। तो मैं इक्वल टू वाई, अब यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता है, छोटा भी लिख सकते हैं, इस तरह से ठीक छोटा वाई भी लिख सकते हैं। एक एक करके आप इक्वल टू वाई कॉमा इक्वल टू वाई, ठीक और यहाँ पे कॉमा इक्वल टू वाई लगा बाय। सकते हैं, एंटर प्रेस करें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अब ट्रू फॉल्स को आप इफ लगा के ओके पेंडिंग में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, राइट। डन। अब इसका आप सेम चीज आप काउंट इफ से भी कर सकते हो, या काउंट, इसमें काउंट की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ अगर आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, एन नहीं लिखा हुआ है, अगर आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, एन नहीं लिखा हुआ है, तो काउंट ए लगा दीजिए, एक काउंट करके दे दें। अब इफ कंडीशन लगा दीजिए इसमें कि अगर काउंट ए का रिजल्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, तो यहाँ पे ओके आ जाए, नहीं तो पेंडिंग आ, नो समझे। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए। बट प्रॉब्लम एक और होगा कि अगर कहीं पे एन लिख दिया भाई, एन एन हो जाता है इस तरह के, नहीं जमा किया होता है ना, कुछ लोग कर देते हैं, यहाँ पे एन कर दिया, ये पेन कार्ड नहीं जमा किया, एन एन सारा एक भी वाई नहीं है, तो आपका काउंट इफ इज काउंट ए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि काउंट ए में हमने कतई नहीं लिया हुआ है कि भैया तुम वाई को चेक करो। हमने बोला कि भाई कोई सेल में फिल है या नहीं है, तब हमें अपना फॉर्मूला चेंज करना होगा, तब ये फॉर्मूला से हाँ काम हाँ नहीं नहीं चलेगा, तब लगाना पड़ेगा हमें काउंट इफ का चलेगा। फॉर्मूला। इसका
काउंटिंग, जो कि चेक करेगा काउंटिंग कि इसमें वाई है नहीं, वाई समझ है कि नहीं। समझे, जी सर, और फिर रिजल्ट देगा, और फिर इसमें वही फॉर्मूला फिर वही लगेगा इफ का, इफ काउंट इफ का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे ओके आ जाए स्टेटस में या जी पेंडिंग आ जाए, समझ गए, रिजल्ट समझ गया। आपके वन है पास तो कुछ लिखा हुआ है सर, और 0 है तो कुछ नहीं लिखा, यही ना। है। हाँ 1 से बड़ा है 1, अब जिसमें 2 है तो उसमें 2 आएगा ना सर, इसमें 2y है, जैसे इसमें हाँ 2y है 2 आएगा ना, हाँ तो यहाँ पे आप दो चीजें हैं और यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे काउंट यूज कर सकते हो, पर कंडीशन है कि ब्लैंक मतलब जिस जो जिसको काउंट करना है वो रहे बाकी ब्लैंक रहे, पर्टिकुलर करेक्टर के हिसाब से काउंट करना है तो काउंट इफ लगेगा, राइट, पर कंडीशन वही हाँ है कि सेम कंडीशन हुआ तभी ये दोनों फॉर्मूला यूज होंगे, नहीं तो और हमारा चल ही रहा है और चलेगा ही चलेगा, समझ गए, गया, विदाउट नो इसमें। सर। अब मैं सोच रहा था कि आज आपको एक होमवर्क, हाँ होमवर्क आपका तीसरे में, अब मेरे पास क्या है कि बैंक ने बोला कि भैया मुझे आपसे दो दो आईडी प्रूफ चाहिए, जिसमें मैं तो आपसे पैन तो लूंगा ही, पैन के अलावा कोई एक दे दीजिए आप, समझ गए, मतलब समझ गया। कि दो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें पैन तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा कोई हाँ एक होना चाहिए, अब यहाँ पे आपको स्टेटस शो करना है और यहाँ पे आपका एक काउंट इफ और बाकी चीज नहीं लगेगा, आप पूछिए जी, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें दो दो चीज हो कंडीशन जाएगा। है, अब ऐसा होगा तो इसे दो इसने जमा किया तो इसी को दो काउंट कर लेगा और बता देगा कि हाँ ओके हो गया, लेकिन ओके बैंक हो बोला गया। नहीं पैन नंबर तो लूंगा ही लूंगा, पैन के बाद तो डीएल दे दो चाहे वोटर दे दो चाहे आधार दे दो चाहे कुछ दे दो, समझे, जी सर, अरे आपको फाइल शेयर है ऑलरेडी तो दोबारा शेयर करने की ठीक जरूरत नहीं है, आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, डन। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि अगला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगला है हमारा इफ कंडीशन मैं प्रैक्टिस ही नेस्टेड, करूंगा सर, सबसे पहले हाँ नेस्टेड इनमें इफ से है, पेन एक।